काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी इस चैप्टर को मेमोराइज करने में सो थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रेक दिस चैप्टर एंड मेक दिस चैप्टर सुपर इजी फॉर यू एक एडवाइस है मेरी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सब अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए एंड साथ के साथ नोट्स फॉर्म कीजिए स्पेशली फॉर दिस चैप्टर इससे आपकी जो रिकॉल करने की पावर है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी सो so, हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस बताई गई है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एज वेल एज ट्रेड की तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एज वेल एज मार्केट जो है ना इट इज़ वेरी रेयरली फाउंड इन वन प्लेस ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये तीनों चीजें हमें एक ही सेंटर पर मिल जाए इसीलिए लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लिंक्स बनाने के लिए किसके बीच में लिंक बनाने के लिए प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर इन दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं टीटीसी या फिर डबल टीसी जो कि है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड अब आगे यही समझाया गया है कि ट्रांसपोर्ट्स के और क्या क्या हमारे पास लाइक like, एडवांटेजेज़ uh, है एज वेल एज़ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड के क्या क्या यूसेज है अब यहाँ पर पैराग्राफ को कंक्लूड किया गया है बहुत ही अच्छी लाइन से जो कि आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस तो इसमें इंटर रिलेशन बताया गया है ट्रांसपोर्ट का As well as का कि दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल कैसे हैं। आगे देखते हैं हम अब जो ये मेरे नोट्स है ना इसमें मैंने ट्राई uh, किया है लाइंस को इंक्लूड करने का क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसीलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है इस पैराग्राफ़ की सभी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ़ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ़ लाइफ जो लोगों की है वो डिपेंड करती है कि उनके पास किस तरह की ट्रांसपोर्ट और किस तरह की कम्युनिकेशन है अब मैंने नोट्स के ऊपर ना यहाँ साइट पर पेजेस भी लिख दिए हैं कि विच स्पेसिफ़िक पेज के ये नोट्स हैं आगे चलते हैं हम स्पेसिफिकली अब हम ट्रांसपोर्ट पर जंप कर जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है अब तो देखो नोट्स की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट ओके तो ये ऐसे आप अपने आप को भी क्वेश्चन दे सकते हो बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ कि ट्रांसपोर्ट पर है ये तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो पैराग्राफ पढ़ने से पहले दैट यू हैव टू मेक अ आंसर आउट ऑफ दिस ओके तो हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को तो बेसिकली देखो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है या फिर एक फैसिलिटी है फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ओके पर्सन और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर बायूजिंग किसको यूज कर कर व्हीकल्स को एनिमल्स को एज वेल एज ह्यूमन्स को ओके एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक मोड्स हैं जो ये हमें बता दिए गए हैं इन जनरल आगे हम इसके पर्टिकुलर मोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे बताया गया है कि रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ जाते हैं रोड्स एज वेल एज रेलवेज शिपिंग इन वाटरवेज ये भी एक तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वेयर एज एयरवेज आर द अदर टू मोड्स अब इनके अलावा एक और मोड है जो हो सकता है आपने न्यू सुना हो जो कि है पाइपलाइंस पाइपलाइंस भी आजकल एक सिग्निफिकेंट मोड हो गया है जो ये पाइपलाइन है ये क्या कैरी क्या करती है ये पाइपलाइंस कैरी करती हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड ओरस इन लिक्विफाइड फॉर्म्स ओके okay, तो ये काम है पाइपलाइंस का अब आगे यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री ये ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है जो कि क्रिएट करी गई है टू साटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी जिससे कि सोसाइटीज़ की जो नीड है वो फुलफिल हो सके अब यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है या फिर जो ट्रांसपोर्ट है उनको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी चाहिए होती हैं वो मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन की है एज वेल एज़ ये फ्लोर चार्ट भी छोटा सा बनाया है जो है आर्टरीज व्हीकल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अब इनको ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए चाहिए तो इनको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज सच एज लोडिंग अनलोडिंग एंड डिलीवरी इन पर्पसेस के लिए ट्रांसपोर्ट को हमें लाइक ऑर्गेनाइज करने के लिए भी लाइक बहुत सारी हमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं आगे चलते हैं हम यहाँ पर अब बताया गया है एवरी नेशन हैज डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफेंस पर्पजेज अब कंट्री ने जो डेवलप करे हुए हैं ट्रांसपोर्ट्स यहाँ नोट्स में देख लीजिए डिफेंस पर्पजेज के लिए स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एज वेल एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन चीज़ों के लिए ये सब लाइक अच्छे से डेवलप किया गया है नाउ ये बॉक्स में एक हमें कंसेप्ट बताया गया है सेवरल प्लेसेस Nodes are joined together by series of roots links to form a pattern. पे मैंने डायग्राम के थ्रू सबको explain करने की कोशिश की है आगे हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब देखो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैंड है वाटर है एयर है एंड जो हमने न्यू यहाँ पर पढ़ा है फॉर सम स्टूडेंट वो है फाइप आगे देखते हैं देखो यहाँ थ्रू पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अब जो ये sea and air transport है ना, इसमें जो कॉमन चीज है वो ये आ जाती है कि ये यूज होती है टू कैरी पैसेंजर्स, एज वेल एज फ्राइट अब जो ये फ्राइट है ना ये थोड़ा जोग्राफिकल वर्ड है फॉर गुड्स अब आप लिखोगे गुड्स ठीक और एक बच्चा लिखेगा फ्राइट अब उससे डिफरेंस पता लगेगा कि किस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड किया है फिर हम आ जाते हैं पाइपलाइंस पर अब ये पाइपलाइंस कैरी करती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विफाइड फॉर्म्स और एक चीज कि ये सारे मोड्स इंट्रा रीजनल एज वेल एज इंटर रीजनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करते हैं अब जो ये मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है ना अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पर मुझे जाना है इन माई फ्रेंड्स हाउस ठीक है मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है तो अब मैं कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट लूँ तो वो डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पर सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेड सबसे पहले मैं टाइप देखूंगी कि मेरे पास क्या बहुत सारा सामान है क्या मुझे बल्क मटेरियल भेजना है या फिर क्या मुझे खुद जाना है नंबर वन मुझे यहाँ पर खुद जाना है इस सिचुएशन पे सेकंड अब मुझे खुद जाना है तो मेरे पास लैंड ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे डोर्स अनलॉक हो गए मैं बाय कार जा सकती हूँ बाय बस जा सकती हूँ बाय हैविंग अ राइड जा सकती हूँ या फिर मैं बहुत सारे लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी चीजें होती है मैं वो सभी ले सकती हूँ पर अब उन सब में से मुझे कोई एक चूज करनी है तो उसके लिए फैक्टर आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कि कौन सा कॉस्ट मेरे लिए मोस्ट प्जिबल रहेगा ओके okay, देन अब मेरे प्लॉजिबिलिटी में जो अब यहाँ पर आ गए मेरे पास फाइव मीन्स ये जो पांच मीन्स है इनके सेम कॉस्ट लग रहा है जाने पे तो अब मैं कौन सा चूज करूँ फिर इसमें थर्ड फिल्टर लग जाता है मीन्स अवेलेबल कि इन तीनों में से मुझे सबसे पहले कौन सा अवेलेबल हो सकता है एज पर माई कन्वीनियंस तो ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम लाइक like सिग्निफिकेंस क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ओके okay, तो यहाँ पर यही सब बताया है टाइप कॉस्ट मोड तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इस चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में आपको, आपको तो डाउन क्या है कि कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन स्पेशल जो चीजें करते हैं ये पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल मूवमेंट है ना वो होता है थ्रू ओशन फ्राइटर्स ओशन फ्राइटर्स उसको करते हैं जो रोड है अगर रोड की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊं तो वो चीप है फास्टर है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज़्यादा काम आती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोर टू डोर सर्विस सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है फिर आ जाता है रेलवेज अब रेलवेज ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एज वेल एज बल्कि गुड्स के लिए एयर होती है पेरिशेबल मतलब जो तो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं एंड मुझे वो टू तो अ लॉन्ग डिस्टेंस भेजनी है तो उसमें बाय बस बाय कार ज्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए फिर एयर यूज की जाती है लाइट वेट चीजों के लिए एयर यूज एयर एयर ट्रांसपोर्ट एज अ मोड यूज किया जाता है देन वैल्यूएबल मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है ओके okay, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको इजीली ब्रेक करके समझा दिया अब आगे हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट तो इतने बड़े पैराग्राफ को हम अपने नोट से समझेंगे सबसे पहले तो देखो यहाँ बताया है कि जो अर्लियर डेज है ना सबसे पहले का जो सम, लाइक समय था उसमें ह्यूमन स्टेम वर द कैरियर्स इंसान खुद ही अपने चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे आज के टाइम में इसका एग्जाम्पल दें तो वो हो जाता है पिलंक्विन ओके बाई फोर ठीक है या फिर यहाँ पर देखो आपको ये एग्जाम्पल दिया मैं कोई अपने आप से नहीं बता रही देखो प्लैंक्विन एंड खहर्स ठीक है ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाते हैं दूसरा हमारे पास देखो अब फिर क्या हुआ अब यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना है पहले ये होता था फिर उसके कुछ समय बाद क्या हुआ एनिमल्स को यूज़ किया गया एज बीस्ट ऑफ बर्डन एनिमल्स को आज भी यूज़ किया जाता है बट आफ्टर ह्यूमंस फिर एनिमल्स आए ओके ये वर्ड जो यूज़ किया है ना बीस्ट ऑफ बर्डन ये जरूर लिख के आइएगा अगर आपको आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है अब इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कुछ जैसे कि म्यूल्स हॉसेस एंड कैमल्स फिर उसके बाद हो जाती है इन्वेंशन ऑफ व्हील और इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि अब कार्ट्स और वैगन्स को यूज किया जाने लगा था फिर उसके बाद आती है रेवल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट वो कस कैसे आती है जब इन्वेंशन होती है स्टीम इंजन की एटीनथ सेंचुरी में याद रखना एटीन सेंचुरी में आता है हमारा स्टीम इंजन देन 1825 में फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन चलाई जाती है स्टॉकटन टू डार्लिंगटन ओके स्टॉक टर्न टू डार्लिंगटन चलाई जाती है 1825 में इसके बाद क्या होता है पॉपुलर हो हैं नाइनटीन सेंचुरी में आकर क्योंकि ये ओपन कर देते हैं कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स फॉर कमर्शियल ग्रेन इन यूएसए मेनली यूएसए में फिर उसके बाद आता है इंटरनल कंबस्टन इंजन वो रेवोल्यूशनलाइज करता है ट्रांसपोर्ट को अब यहाँ पर दो चीज़ें समझो रेवल्यूशन लाया इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन और आ, दूसरी चीज हमारे पास रेवोल्यूशनराइज हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय इंटरनल कम्बस्टन इंजन इसकी वजह से क्या हुआ व्हीकल्स आए बहुत ज्यादा व्हीकल्स डेवलप हुए एज वेल एज रोड्स की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंहानस हुई आगे चलते हैं हम जो न्यूअर डेवलपमेंट हुई है वो हुई है पाइपलाइंस में रोप वे में केबल मेंबल में ठीक है देन की अगर हम बात करें तो पाइपलाइंस लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं जैसे कि मिनरल ऑयल वाटर, स्लज स्वीयर, स्लरी इन सारी चीजों को ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कुछ भी तो पाइपलाइन के थ्रू वो लाइक एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है फिर हमारे पास आ जाते हैं uh, फ्राइट कैरियर्स ओके फ्राइट कैरियर्स देखो क्या है रेलवेज ओशन वेसल्स बार्जेस बोट्स ये सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ओल्ड मीन्स थे ना जो पहले के ज़माने में यूज किए जाते थे अर्ली डेज वाले ये जो थे ये थोड़े महंगे होते थे ओके okay, इनका एक्सपेंसिव होते थे और जो ये लार्ज फ्राइटर्स है ये अब हमें चीप पड़ते हैं ओके okay, चीप है ये तो देखो यही सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया अगर आप इसको पढ़कर भी देखोगे ना तो एक बार दोबारा इसको आप देख लो यहाँ पर अब एक क्रोनोलॉजी के लिए एक बार हम दोबारा इसको देख लेते अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं साथ में तो एक ऐसे चार्ट बना लो सबसे पहले क्या था ह्यूमंस डेमसेल्स वर द कैरियर्स फिर उसके बाद आए एनिमल्स मैं आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ इसको फिर उसके बाद हो जाती है हमारी इन्वेंशन ऑफ व्हील ठीक है जिसकी वजह से आते हैं हमारे पास कार्ट्स एंड वैगन्स फिर यहाँ पर आती है रेवोल्यूशन जो कि आती है एटीन सेंचुरी में बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ओके इसके बाद इससे दूसरी चीज जो रिलेटेड है वो है एटीन ट्वेंटी फाइव में जो स्टॉक टैंक uh, स्टॉकटन टू तो डार्लिंगटन फर्स्ट पब्लिक रेल चलाई गई फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोबारा से जो रेवोल्यूशन आती है वो नाइनटीन नहीं दोबारा से जो रेवोल्यूशन आती है वो होती है हमारी कंबस्टन इंजन वाली जिससे क्या होता है रोड की क्वालिटी इनहस होती है एज वेल एज व्हीकल्स जो है ज्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं फिर यहाँ बताया हुआ है जो न्यू मोड्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है हमारी पाइपलाइंस एज वेल एज फ्राइट कैरियर्स तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आगे अब हमारे पास आ जाते हैं पैक एनिमल्स पैक एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो देखो हॉर्सेस को यूज किया जाता है ड्रॉट एनिमल्स की तरह इन वेस्टर्न कंट्रीज कैमल को यूज किया जाता है uh, इन डेजर्ट्स म्यूल्स को यूज किया जाता है एम्फो म्यूल्स एम्फो माउंटेन्स डॉग्स को यूज किया जाता है नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड साइबेरिया में टू स्लज़ेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड रेंडियर जो है रेंडियर और डॉग्स इन दोनों का यहाँ पे था कि ये दोनों इन जगहों पर यूज किए जाते हैं बुल को यूज किया जाता है फॉर पुलिंग द कार्ट आगे अब हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है रोड्स यहाँ पे मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर रोड्स को एक्सप्लेन किया है तो पहले हम नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है जो रोड्स है ना वो मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ठीक है फिर दूसरी चीज़ हमारे पास रोड्स दो तरह की है मेटल एंड अन रोड्स यूज होती है टूरिज्म एज वेल एज ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी आगे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है ओके okay. बट जो चीज़ें इसमें नहीं है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन ये हम नहीं कह सकते मैंने आगे इसके क्रॉस भी लगाए हुए यहाँ पर वो मैं आगे आपको रीज़न uh, बताऊंगी ये आगे रीज़न आ गया क्योंकि ये हैंडी कैप्ड हो जाती है रेन के टाइम पर बट बेटर देन अनमेटल्ड जो मेटल्ड रोड्स है ना वो अनमेटल्ड uh, मेटल्ड से ज़्यादा बेटर होती हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बस बट उसका हाई होता है बट वो भी इन इफेक्टिव हो जाती है रेनी सीजन में मतलब मेनली रोड्स ऑल सीजन के लिए सुटेबल नहीं है ओके okay, तो रेन में क्या रेन के लिए क्या सुटेबल है तो यहाँ बताया गया है हाई एम्बैकमेंट रेन ट्रैक्स एफिशिएंटली मेंटेन ठीक है रेल किलोमीटर स्मॉल होती है need, uh, uh, as well as इसकी भी बहुत कम होती है आगे ये बताया गया है कि जो गुड क्वालिटी रोड्स होती है ना वो यूनिवर्सल नहीं है क्वालिटी ऑफ रोड जो है ना वो उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हाई होती है एज वेल एज मेंटेनेंस भी एक्सपेंडिचर भी फिर ज्यादा हो जाता है वेर एज जो डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम रोड देखें तो वो एक जैसी नहीं है ओके डेवलप्ड कंट्रीज में लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी लिंक किया गया है थ्रू रोड्स ओके अब यहाँ पर भी यही सब एक्सप्लेन किया गया था रोड ट्रांसपोर्ट में देखो यहाँ पे बताया कि डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है और यहाँ पे वही है कि रोड कंस्ट्रक्शन में हैवी एक्सपेंडिचर लग जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेज लिंक्स इन फॉर्म ऑफ मोटरवेज ऑटो वाहन एंड इंटर स्टेट्स हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट तो स्पीडी मूवमेंट के लिए इसके थ्रू और ऑटो वाहन जिसको कहते हैं जर्मनी में ओके अब यहाँ पर द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज अबाउट फिफ्टीन मिलियन किलोमीटर्स जो टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है ना वो फिफ्टीन मिलियन किलोमीटर्स है और जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी थर्टी थ्री परसेंट रोड डेंसिटी है जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड ओके okay, और दूसरी चीज यहाँ बताई गई है द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द कॉन्टिनेंट इन एज कम्पेयर टू यूरोप और इस कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका में जो है ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप अब आगे हमारे पास है हाईवेज अब देखो हाईवेज के जो इंपॉर्टेंस है ना सबसे पहले तो एटी मीटर वाइड होते हैं इनमें ब्रिजेस फ्लाईओवर्स एंड डुअल कैरीवेज होते हैं ओके, okay, फिर मेटल रोड कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस देन अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ ऑफ ट्रैफिक अब देखो हाईवे पे ना हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ मिलता है हमारे बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं तो हम एक अपने वन गो में चल सकते हैं अब आगे बताया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है हर सिटी पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू हाईवेज आगे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है अन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है वेल well कनेक्टेड है देन यहाँ हमारे पास है नॉर्थ अमेरिकाज हाईवे डेंसिटी जो है वो है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर ये उसकी डेंसिटी है एवरी प्लेस ट्वेंटी किलोमीटर सिटीज़ ऑफ पैसिफिक एक सेकेंड अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं जो स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका की डेंसिटी है ना वो 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है जिसका मतलब कि एवरी प्लेस इन विद इन ट्वेंटी किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे ओके इसके डिस्टेंस के अंदर अंदर ही हर स्टे आ, हर प्लेस यहाँ पर पड़ती है आगे चलते हैं तो यहाँ बताया हुआ है कि सिटीज ऑफ द पैसिफिक कोस्ट आर वेल कनेक्टेड विद दोज ऑफ अटलांटिक कोस्ट यहाँ डायग्राम के थ्रू भी मैंने Um, समझाया है ये जो हाईवे यस पैसिफिक कोस्ट की कंट्रीज अटलांटिक कोस्ट जैसे कि मेक्सिको है कनाडा है ये भी ये सारी प्लेसेस एक दूसरे के साथ वेल well कनेक्टेड है वेल well कनेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है आगे यहाँ पर बताया गया है सिटीज लोकेटेड इन पैसिफिक कोस्ट आर वेल कनेक्टेड अटलांटिक कोस्ट लाइक वाई कैनेडा इन नॉर्थ आर लिंक विद मेक्सिको इन साउथ जो मैंने आपको बता दिया अपनी डायग्राम के थ्रू आगे हमारे पास आ गया ट्रांस कनेडियन हाईवे ओके ट्रांस कनेडियन हाईवे मैंने यहाँ पे लिखा होगा यस ट्रांस कनेडियन हाईवे जो है ना वैंकूवर इन द वेस्ट कोलंबिया ठीक है वैंकूवर को ज्वाइन करता है सेंट जोन सिटीज इन न्यू फाउंडलैंड ये सेंट जोन सिटी है न्यू फाउंडलैंड में तो ये ट्रांस कनेडियन रेलवे वैंकूवर को सेंट जॉन सिटी से ज्वाइन करता है बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हमारे पास आ जाता है अलास्कन हाईवे जो कि एडमॉन्टन को एनकरेज से एडमॉन्टन है कैनेडा में एनकरेज है अलास्का में इन दोनों को ज्वाइन करता है यह आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि आप मेमोराइज कर पाए फिर हमारे पास आ जाता है पैन अमेरिकन हाईवे ये पैन अमेरिकन हाईवे ज्वाइन करता है तीन जगहों को जो है नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका एंड कैनेडा ओके नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका एंड कैनेडा मतलब अगर ये इस तरह से है तो ऊपर से नीचे तक पूरी वेल कनेक्टिविटी देता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे ये चार जगहों को कर रहा है जो कि है डार्विन टेनेंट क्रीक अलाई स्प्रिंग एंड मेलबोर्न अब ये सारी जगहें सुन के आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टूअर्ट हाईवे है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में लगेगा यहाँ पर रशिया की बात आ जाती है कि यहाँ पे डेंस है सबसे ज़्यादा डेंस नेटवर्क है हाईवेज़ का इसमें एग्जाम्पल है मॉस्को वाली वॉस्टोक हाईवे जो कि है ईस्ट में इसका जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है रशिया का इसी वजह से न यहाँ पर हाईवेज़ की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी यहाँ पर रेलवे किया क्योंकि हमने पढ़ा था ना लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवे ज्यादा इफेक्टिव है चाइना की बात करें तो हाईवे हुआ है कॉन्टिनेंट को ये सारी इसकी जगह हैं इनको लिंक किया हुआ है ओके okay, आगे अगर हम चले तो इंडिया में मेजर सिटीज एंड टाउन्स जो हैं वो ज्वाइन किए गए हैं अब आगे देखो यहाँ पर आपका मैंशन है एनएच सेवन जो कि है वाराणसी टू कन्याकुमारी बट अब हो गया है एन एच फोर्टी फोर जो कि है श्रीनगर टू कन्या कुमारी अब ये हमारा लार्जेस्ट हो गया लॉन्गेस्ट हो गया है ये हमें समझ आ गई देखो यहाँ पे एन एच सेवन है ना बट हमारा अब एन एच फोर्टी फोर हो गया है यू कैन आस्क योर टीचर कि आप एग्जाम में कौन सा स्पेसिफिकली लिख के आ सकते हो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड मैंशन बोथ दोनों मैंशन कर कर आओ कि अर्लियर एन एच सेवन था बाद में एन एच फोर्टी फोर हुआ ओके okay, फिर यहाँ पर हमें गोल्डन गोल्डन कोऑर्डिलेटर के बारे में बताया गया है जो है सुपर एक्स एक्सप्रेस वे ओके okay, ये किस किस को लिंक करता है अंडर कंस्ट्रक्शन है सबसे पहली बात ये मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड हैदराबाद को लिंक करता है अब ये कैसे लर्न कर सकते हो आप सीएम का न्यू हाउस चेन्नई मुंबई कोलकाता न्यू दिल्ली हैदराबाद इस तरह से ये आपका एक निमोनिक है सीएम uh, का न्यू हाउस आगे अब हम चलते हैं तो आगे हमारे पास अब हम एग्जाम्पल uh, आ जाता है अफ्रीका का अफ्रीका में है अल्जीरिया टू कॉन्क्रे ओके देन हमारे पास आ जाता है केप टाउन टू कैरियो ये बताया गया है एलग्रे टू कॉन्क्रेन केरी यू कनेक्टेड टू केप टाउन तो जो भी इसके अंदर लिखा गया है मैं वही आपको समझा रही हूँ थ्रू नोट्स फिर आ जाता है बॉर्डर रोड्स अब देखो बॉर्डर रोड्स आर लेड अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है डिफेंस मेजर रोल इसका यही है इंटीग्रेटेड पीपल इन रिमोट एरियाज टू मेजर सिटीज एक इसका ये भी रोल है एक और जो इसका रोल है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप्स ओके ये इसके कुछ यूजेस हैं बॉर्डर रोड्स देखो ट्रांसफर गुड्स बॉर्डर विलेजेस बॉर्डर मिलिट्री कैंप्स तो ये चीजें ही मैंने यहाँ पे मैंशन करी जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है फिर बात कर देते हैं हम रेलवेज की अब देखो जो रोडवेज की हमने बात करी सबसे पहले रोड्स की तो इसमें डेंसिटी याद रखना किसकी सबसे ज्यादा हाई है तो इसमें है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा हाई आगे चलते हैं हम तो जब हमने बात करी हाईवे की तो रशिया डेंस हाईवे नेटवर्क है रशिया एक और चीज़ जो याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका की डेंसिटी किसकी हाई है डेंसिटी यहाँ पर हमारी हाई हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका की हाईवे डेंसिटी इज हाई, हाई अबाउट जीरो पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर्स और रशिया का डेंस हाईवे नेटवर्क है इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन के आसपास अब ये देखो ये हमें बताया गया है टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज की रेलवेज पढ़ने से पहले आप एक बार ये भी चेक कर सकते हो बट अब पर्टिकुलरली हम रेलवेज की बात कर लेते हैं देखो रेलवेज यहाँ पर तो बल्कि गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है आजकल कम्यूटर ट्रेन चलती हैं यूके में यूएसए में जापान में एज वेल एज इंडिया में थर्टीन लाख किलोमीटर्स रेलवे ओपन है आज ट्रैफिक के लिए आगे अगर मैं बात करूं रेलवे की तो जो रेलवे गॉर्जेस होते हैं ना जो ट्रैक है ये तीन तरह का होता है ब्रॉड स्टैंडर्ड एंड मीटर ब्रॉड गॉर्ज होता है 1.5 मीटर अबाव भी हो सकता है स्टैंडर्ड 1.44 मीटर एंड मीटर गॉर्जेस फॉर वन मीटर अब यूरोप का मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क है जो है फोर लैक फोर्टी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स और एक और अगर मैं बात करूं इसकी आ, जो आ, Uh, एक और अगर मैं बात करूं इसके फीचर की वो है कि डबल ट्रैक्ड है मल्टीपल ट्रैक्ड है बेल्जियम में हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किलोमीटर रेलवे है हर 6.5 स्क्वायर uh, किलोमीटर एरिया पर फिर यहाँ पर बात किया हमने रेल हेड्स जो रेल हेड्स की बात करें तो रेल हेड्स है हमारा लंडन पेरिस ब्रसेिल्स मिलान्स uh, आगे चलते हैं हम रेलवे पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कम्यूटर ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया थर्टीन लाख किलोमीटर्स ये रेगुलर चलता है यूरोप का मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क है वन लाख फोर्टी थाउजेंड है यस हेयर आई हैव मेंशन फोर्टी फोर बट इट्स फोर्टी ओके फोर लाख फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स बट यू कैन इट फ्रॉम योर लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनसीआर फिर आ जाता है हमारे पास बेल्जियम बेल्जियम में वन किलोमीटर रेलवे सबसे ज्यादा डेंस है एवरी सिक्स पॉइंट फाइव स्क्वायर किलोमीटर्स में फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेल हेड्स आ जाते हैं हमारे लंडन पैरिस ब्रुसेल्स, मिलान बर्लिन एंड वार्सा देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन फ्राइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज अंडरग्राउंड रेलवेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है पैरिस एंड लंडन एंड पैरिस में चैनल टनल नाउ वन मेमरी रिलेटेड सेम क्वेश्चन पेपर सी बी एस ई जो रिलीज करती है वो था सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर भी है तो चैनल टनल ऑपरेट होती है यूरो टनल ग्रुप के द्वारा थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट करती है लंडन को पेरिस से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन आर नाउ

वो लाइक वेरी डेंस है वेस्ट ऑफ यूरल्स में मॉस्को इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल मेजर लाइन रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट कंट्रीज़ वास्ट जोग्राफिकल एरिया अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कम्यूटर ट्रेन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मॉस्को तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है नॉर्थ अमेरिका की खासियत ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव फोर्टी परसेंट जो वर्ल्ड ट्रेड है ना देखो मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क जो है जो क्योंकि ये फोर्टी परसेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में हेल्प कर रहा है इंडस्ट्रियल अर्बन रीजन ईस्ट सेंट्रल ये सारे जो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट रीजन बताए हैं द रेलवेज आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्लाइट लाइक ओस ग्रेन टिम्बल्स एंड मशीनरी देन फॉर पैसेंजर्स द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन हाईली इंडस्ट्रलाइज्ड एंड अर्बनाइज रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएस एंड अजॉइन कैनेडा कनाडा में बताया गया है कि रेलवे आर इन पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर स्पासली पब्लिक सेक्टर में है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कैरी बल्क वीट एंड कोल टनेज ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40,000 थाउजेंड किलोमीटर्स है रेलवे उसमें 25 परसेंट जो है वो फाइंड करते हैं हम इन न्यू साउथ वेल्स अलोन और जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे है ना वो रन करता है अक्रॉस द कंट्री थ्रू फ्रॉम पर्थ टू सिडनी न्यूजीलैंड रेलवे आर मेनली इन नॉर्थ द फार्मिंग एरियाज इन साउथ अमेरिका जो रेल नेटवर्क है ना मोस्ट डेंस एंड टू रीजन जो कि है ऑफ अर्जेंटीना एंड कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राजील ब्राजीलर अकाउंट्स फॉर फोर्टी परसेंट ऑफ साउथ अमेरिका टोटल रूट लेंथ only child among the remaining countries has a considerable route length linking coastal centers with the mining centers आगे हमारे पास ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एशिया की बात करें तो डेंस है हमारे जापान में चाइना में और इंडिया में अदर कंट्रीज हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स वेल वेस्ट एशिया इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ वास्ट डेजर्ट्स एंड स्पास पॉपुलेशन इन रीजन अफ्रीका की बात करें तो फोर्टी किलोमीटर ऑफ रेलवे है साउथ स्टडी अबाउट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे सबसे पहले ये बनाए किस लिए गए थे तो पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते क्या है तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे वो रेलवे है जो कि कॉन्टिनेंट के दो डिफरेंट एंडस को ठीक है आपस में मिलाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे अब ये बनाए गए थे इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल रीजन की वजह से ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो सके डिफरेंट डायरेक्शन में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस कनेडियन रेलवे के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो देखो इसकी लेंथ देख लो सेवन जीरो फाइव जीरो किलोमीटर है स्टेशन हालिफेक्स टू वैनकूवर ओके okay, हालिफेक्स से जाता है वेनकूवर तक हालिफेक्स है ईस्ट में वेनकूवर है पैसिफिक कोस्ट में अब ये पास किससे करता है मॉन्ट्रिल ओटावा एंड कैलगरी जो यहाँ पर मेंशन है मॉन्ट्रिल विनीपेग एंड कैलगरी अब कुछ इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में ये कंस्ट्रक्ट होता है देन पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन वेस्ट कोस्ट तो ज्वाइन फेडरेशन ऑफ स्टेट अब ये बनाया गया था एक एग्रीमेंट के रिजल्ट में जो कि ये था कि हमें ब्रिटिश कोलंबिया को ठीक है ब्रिटिश कोलंबिया ऑन वेस्ट कोस्ट को ज्वाइन करना है विद द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ये यहाँ पर भी मेंशन किया गया है एग्रीमेंट के बारे में आगे चलते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसके जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ना इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी Uh, बढ़ने लगी क्योंकि ये कनेक्ट करता है क्यूबिक मॉन्ट्रल इंडस्ट्रियल रीजन को विद बेल्ट ऑफ रीजन ओके अब देखो यहाँ पे मैंने इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया ये तीन रीजन को ज्वाइन करता है सबसे पहले हमारे पास आ, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे पास मॉन्ट्रिल इसको ज्वाइन करता है विद परेरी परेरीज रीजन है लेकमी यस yes, परेरी रीजनस है परेरी रीजन जहां पर होती है वीट इनको कनेक्ट करता है फर्दर विथ कार्नी फॉरेस्ट कार्नी फॉरेस्ट फॉरेस्ट के साथ तो मेनली मॉन्ट्रल परेरीज एंड फॉरेस्ट इन तीन चीज इन तीन जगहों को देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज के दो जगहें होगी बेहस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सोर्सेज के साथ ज्वाइन करता है आगे अगर हम चले इसके और इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें सो so एक लूप लाइन है ओके okay? एक लूप uh, लाइन है फ्रॉम विनीपेक विनीपेक टू थंडर बे लेक सुपीरियर कनेक्ट रेल लाइन विद वन इंपॉर्टेंट वॉटरवेज ऑफ द वर्ल्ड दिस लाइन इज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कैनेडा यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि विनीपेक से थंडर बे वाली में लेक सुपीरियर को ज्वाइन करवाता है जो कि कनेक्ट करती है रेल लाइन विद द वाटरवे वे जो ये रेल लाइन अब कनेक्ट हो गई है वाटरवे वे के साथ भी ये इसको बना देता है इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कैनेडा अब हम बात करते हैं यूनियन पैसिफिक रेलवे की जो कि कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क विद सैन फ्रांसिस्को के न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को के साथ ये इसके मेजर स्टेशन दिए हुए हैं वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स हैं इसकी ओर्स ग्रीन पेपर केमिकल्स एंड मशीनरी इसके ये सारे आप स्टेशंस भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए है मेजर uh, यहाँ पर लाइंस भी कुछ हैं इसकी देन हमारे पास आ जाता है ओरिएंट एक्सप्रेस अब ओरिएंट एक्सप्रेस जो है हमारे वो पेरिस टू इस्स्तानबुल जाती है पेरिस टू इस्तानबुल जर्नी टाइम जो है वो है नाइन्टी यहाँ पर नाइंटी सिक्स आवर्स लगते हैं थ्रू दिस रेलवे एंड टेन डेज लगते हैं थ्रू द सी रूट्स अब यहाँ के जो चीफ एक्सपोर्ट्स हैं वो है हमारे पास बेकन ओट्स वाइन फ्रूट्स एंड चीज एंड मशीनरी अब प्रपोजल अब देखो यहाँ पर एक प्रपोजल आया है टू बिल्ड अ ट्रांस एट एशियाटिक रेलवे लाइन जो कि लिंक करेगी इस्तानबुल विद बैंकॉक वाया ईरान पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश एंड म्यांमार हाँ। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की तो ये चीपर है ओके फ्रिक्शन ऑफ वाटर भी कम होता है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन ऑफ लैंड एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज लोअर अब देखो दो तरह के होते हैं एक तो सी रूट्स हैं एक तो इनलैंड वाटरवेज है अगर इसके पाथ की बात करें डो नॉट रिक्वायर्ड रूट कंस्ट्रक्शन चीप इसीलिए भी है पड़ता हमें ओशनिगोशियबल शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस अब यहाँ पे शिप्स भी हमें बहुत सारे साइजेस की मिल जाती है सी रूट्स के कुछ फीचर्स देखे तो ट्रांसफर ट्रांसफर एबल इन ऑल डायरेक्शन सारी डायरेक्शन में जा सकता है ओशंस वाट्स को कहा गया है वास्ट स्मूथ हाईवेज ओके नो मेंटेनेंस कॉस्ट कोई मेंटेनेंस कॉस्ट हमें इसमें नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन इन टू रूटवेज बिटवीन सी गोइंग वेसल्स इन डेवलप्ड कंट्रीज अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रूटवेज में ओके okay? आगे चलते हैं इसको अगर हम कंपेयर करें लैंड और सी से तो ओशन जो है वो चीपर है मीन्स ऑफ कैरिंग हॉलेज हॉलेज को अगर हमें कैरी करना हो अगर हैवी चीजों को भी कैरी करना हो तो जो ये सी uh, है ना ये ज्यादा हमारे प्लॉजिबल है मॉडर्न पैसेंजर एंड लीनियर रडार रडार से है वायरलेस एंड अदर नेविगेबल एड्स अब ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पर लिखा गया है सी रूट्स का भी हमने कर लिया फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सी रूट सबसे पहले है नॉर्थ अटलांटिक Suits. अब इसकी जो विशेषता है वो देख लो वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड जो है यहीं से हो रही है इसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं एमसी की उसमें है पीछे क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत हो जाना नॉर्थ और साउथ अटलांटिक में तो नॉर्थ अटलांटिक को कहा जाता है बिग ट्रंक रूट यहां पर भी हम एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं इसको ये यह देखो यहां पर क्या है बिग ट्रंक रूट इसको कहा जाता है वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इससे होती है इट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए विद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को ज्वाइन करता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड द फॉरन ट्रेड दिस रूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड अगर हम पूरे वर्ल्ड की जो फॉरेन ट्रेड है वो कंबाइन कर देना फिर भी जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है इसके फॉरेन ट्रेड ज्यादा ही आएगी क्योंकि वन फोर्थ जो ट्रेड है वो अकेले इस रूट से हो रही है वो हम पढ़ चुके हैं फिर हमारे पास आ जाता है मेडिटेरेनियन इंडियन सी ओशन सी ओशन जो ये सी रूट है पास करता है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड and serves more countries than people uh, serve more country and people than any other route to so, big trunk route ki visheshta hai ki sabse zyada trade yahan se hoti hai one second sabse zyada trade is route se hoti hai और Mediterranean Indian Ocean से ये है कि ये सबसे ज्यादा okay, सबसे ज्यादा uh, people uh, को एज वेल कंट्रीज को सर्व करता है एज कंपेयर टू एनी पर हमारे पास आ जाते हैं कोलंबो सिंगापुर ऑन दिस रूट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल है डिस्टेंस एंड टाइम कम्पेयर टू अर्यर रूट थ्रू केप ऑफ गुड होप अब यहां पर हम बात करेंगे केप ऑफ गुड होप के जहा जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि जब स्वेस केनाल बनी ना उसके बाद से केप ऑफ गुड होप जिसे रूट्स लंबे पड़ने लग गए अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन uh, किया हुआ है ये सब देखो मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट का भी पोर्ट सेड अडेन मुंबई सिंगापुर इसके सारे uh, जो है यहाँ पर इसके मेजर एरियाज बता दिए गए हैं और जो ये केप ऑफ गुड होप है ये भी वेस्टर्न यूरोप वेस्ट अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस सबको ज्वाइन करता है तो अब हम बात करते हैं अबाउट द केप ऑफ गुड होप सी रूट अब ये भी एक सी रूट है अब इसको केप ऑफ गुड होप बोलने का भी कोई रीजन है क्योंकि जो ये रूट है ना इसकी बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो ये है ये अटलांटिक uh, ओशन में है सबसे पहली बात ये कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को ओके okay. जो ये वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है ना इनको कनेक्ट करता है विद ब्राजील अर्जेंटीना एंड यूरोगोए इन साउथ अमेरिका द ट्रैफिक इज़ फार लेस ऑन दिस रूट जो ट्रैफिक है यहाँ पर लेस होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डेवलपमेंट ऑन द पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ओनली जो सदरन ब्राज़ील है और जो प्लाटा एश्चुरी है ना साउथ अफ्रीका में वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं बाकी कहीं पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं और देर इज ऑल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डी जनेरियो एंड केप टाउन बिकॉज बहुत साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका है सिमिलर प्रोडक्ट्स अब दूसरा रीज़न ये है कि देखो जैसे अब यहाँ पर रियो डी जनेरियो है ठीक है और जो केप टाउन है उस रूट पे ट्रैफिक हमें कम क्यों मिलता है क्योंकि इन दोनों जगहों पर ही सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं आगे चले तो जो ट्रेड है ना नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बाय सेवरल एज पैसे अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि होनो लुलू को भी ये कवर करता है और जो डायरेक्ट रूल है ऑन ग्रेट सर्कल लिंक्स वैनकूवर एंड यूको हम एंड रिड्यूसिंग द ट्रैवलिंग डिस्टेंस 2480 किलोमीटर बाय हाफ मतलब इसको हाफ uh, कर देता है ये रूट आगे हमारे पास अब आ गया है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट अब देखो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है अबाउट द स्केप ऑफ गुड होप उसके आप साइड बाय साइड आप इसको नोट्स uh, के थ्रू भी इसको आप चेक कर सकते हो आगे अब हम चलते हैं अपने साउथ नॉर्थ पैसिफिक सी रूट पर अब ये सी रूट है ना ये लिंक करता है पोस्ट ऑन द वेस्टर्न कोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दो ऑफ एशिया डीज आर वैनकूवर सियाटल पोर्टलैंड सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स ऑन अमेरिकन साइड योकोहामा कोबे शंघाई हॉन्गकॉन्ग मलीना एंड सिंगापुर इन द एशियन साइड अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल तो इसका आंसर है नो uh, इतना डीप में बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता फॉर सीयूईटी यू हैव टू और CUET में इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए सब पढ़ चुके होंगे तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एडिशनल चीज़ें हैं वो CUET के लिए करो बट बोर्ड्स के लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैंने आपको पहले रेलवे स्टेशन बताए रेलवे कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ बताए तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वो पता होना चाहिए वो क्योंकि वो चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती है जो कि पूरी अच्छे से मार्क दें अब फॉर ह्यूमन माइंड इतना कुछ लर्न करना इजी नहीं है इसीलिए सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना वो लाइक इज मोर देन सर्फिशेंट बिकॉज ऐसा कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि साउथ पैसिफिक रोड इसमें से रूट इसमें से किस में uh, किस सिटी में से होकर नहीं निकलता तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है बेसिक चीजों से क्वेश्चन आएगा जो आपके टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ चीजों में से क्वेश्चन निकल कर आते हैं तो जो ये साउथ पैसिफिक सी रूट है ना ये कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से पैसिफिक वाया सेनाल तो पनामा केनाल के थ्रू होता है रूट्स को हम यूज uh, करते हैं हॉन्गकॉग फिलिपीनशिया पहुंचने के लिए भी किलोमीटर ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर है फिर अब हम बात करते हैं कोस्टल शिपिंग की अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्वियस है कि वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर मोड है वाले जो ओशन रूट्स है वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कोस्टल शिपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन जैसे कि यूएसए हो गया चाइना हो गया इंडिया हो गया शनजन स्टेट्स हैं जो यूरोप की वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल प्लेसेज है कोस्टल शिपिंग के लिए अब अगर शिपिंग केनाल की बात आती है तो स्वेज एंड पनामा केनाल एक लाइक मैन मेड नेविगेबल कैनाल या फिर वाटरवेज हैं विच सर्व एज द गेटवे ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड देखो जैसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती है ना ये दोनों ही स्वेज एज वेल एज पनामा ये जो स्वेज वाला पैराग्राफ है एंड जो पनामा वाला पैराग्राफ है फ्रॉम दिस यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग क्योंकि ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में आ जाता है अब हम बात करते हैं अबाउट स्वेस केनाल अब देखो स्वेस केनाल की सबसे पहले तो लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए दैट ये स्वेस केनाल इजिप्ट में है ठीक है इसको कनेक्ट कंस्ट्रक्ट uh, किया गया है बिटवीन ओके पोर्ट सेड एंड पोर्ट स्वेज पोर्ट सेड जो कि नॉर्थ में है एंड पोर्ट स्वेज जो कि साउथ में है ठीक है इसको कट कर कर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है केनाल बनाई गई है अब जरूरत क्या आप पड़ी थी केनाल बनाने की वो आप यहां पर अगर बुक में वर्ल्ड मैप देखेंगे ना इट्स ऑन पेज नंबर अब यहाँ पर देखो एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी एक तरफ है रेड सी ओके okay. सो so, इन दोनों सीज को जिस पॉइंट ने ब्लॉक किया है वो ये वाला पॉइंट है एंड इसी पॉइंट को फर्दर कन्वर्ट किया गया इन कैनल ओके तो इसके एक तरफ था पोर्ट सेड एक तरफ था पोर्ट सेड एक तरफ था पोर्ट ओके, सो okay, so यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो गई 1869, Swiss, sea, ये कंस्ट्रक्ट किया इन 1869, बिटवीन पोर्ट सेड एंड पोर्ट स्वेस, लिंकिंग मेडिटरेनियन एंड रेड सी अब ये यूरोप को एक न्यू गेटवे देती है टूवर्ड्स इंडियन ओशन और ये रिड्यूस करती है डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप हमने ये चीज पढ़ी भी थी ड्यू टू दोर्ट अब हम port, uh, जो पोर्ट uh, अब केप ऑफ गुड होप है उसको कम uh, उस पर ट्रेवल किया जाता है बिकॉज इट्स अ लॉन्गर डिस्टेंस इट इज लेवल केनाल एक सी लेवल की कैनल है ओके okay, अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो uh, इलेवन टू फिफ्टीन मीटर डीप है वन सिक्सटी किलोमीटर की है अब देखो जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है हर एक नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये डिटेल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है सी के लिए तो इट वुड बी अ सेवियर बिकॉज यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स के लिए भी ये सेवियर हो सकता है अगर जो हॉट क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं सो वन सिक्सटी किलोमीटर्स की है इलेवन टू फिफ्टीन मीटर डीप है और इट इज विदाउट लॉक्स तो ये में क्वेश्चन आ सकता है दूसरा अगर इसका ड्रॉबैक मैं बताऊं तो इसके जो टोल्स है वो बहुत ज्यादा हाई है इसीलिए अभी भी कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं केप ऑफ गुड होप से जाना ओके तो यहाँ पर देखो क्या चीज है चीपर टू गो बाय केप ऑफ गुड होप और रेलवे आह uh, follows the canal to Suez and from Islamia there is a branch line to Cairo a navigable fresh water canal from Nile also joins Lake Canal to Ismalia आह uh, आह uh, to fresh water to Port Suez and Suez अब ये यहाँ पर route वो बता रहे हैं ये बोल रहे हैं कि एक railway follow करता है canal को Suez तक and इस्माइलिया uh, इस्माइलिया एक जगह है वहाँ पर एक ब्रांच लाइन जाती है टू कैरो नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनल फ्रॉम नाइल ऑल्सो तो ज्वाइन द मतलब तो इसकी जो ज्वाइन काफी चीज़ें इसको करती है अब अगर हमें पेनामा केनाल में तो पाना पेनामा कैनल जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो ये बीच का पॉइंट है ना पनामा सिटी एंड कैनल इसमें कटिंग कर कर यहाँ बनाई गई है पनामा केनाल अब ये अंडरटेकिंग ली गई यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा अब यूएस के गवर्नमेंट ने क्या किया इस साइड पर भी एंड इस साइड पर भी एट एट किलोमीटर्स की जो जगह है वो बाय कर ली एंड उसको नेम दे दिया एज कैनल जोन ओके यहाँ पर भी ये चीजें लिखी गई है कि एट किलोमीटर एरिया ले लिया और उसको नेम किया कैनल जोन अब जो ये कैनल है ना ये सेवेंटी टू किलोमीटर्स की है एंड इन अ वेरी डीप कटिंग फॉर लेंथ वेल किलोमीटर्स सेवेंटी टू किलोमीटर की है डीप कटिंग करती है बारह किलोमीटर तक इट हैज सिक्स डिफरेंट लॉक सिस्टम्स छह डिफरेंट लॉक सिस्टम्स है इसके अंदर शिप्स क्रॉस द डिफरेंट लेवल्स एंड दीज लॉक्स मा एंटर करने से पहले ये जो है, जो इसके है न, वो क्रॉस करता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है कितने लॉक सिस्टम है तो यहाँ पर सिक्स लॉक सिस्टम है अब यहाँ पर देखो इट शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिसको बाई थर्टीन थाउजेंड किलोमीटर्स बाई सी लाइक वाइज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड यूरोपियन एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए नॉर्थ ईस्ट एशिया अमेरिका नाउ टॉपिक इज इनलैंड वॉटरवेज तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि इनलैंड वॉटरवेज की इम्पोर्टेंस क्या है एज वेल एज रिवर्स हैं जैसे कि कैनल्स हैं लेक्स हैं कोस्टल एरियाज हैं ये सारे इम्पोर्टेंट वाटरवेज हैं सिंस इम मेमोरियल मतलब हमें याद भी नहीं है कि इतने पहले से ये है एज़ वेरी इम्पोर्टेंट वाटरवेज आगे चल के देखें तो जो बोट्स हैं स्टीमर्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं एज़ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एज वेल एज पैसेंजर्स फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो डेवलपमेंट हुई इनलैंड वाटरवेज में वो हुई ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन नंबर वन इज नेविगेबिलिटी ओके नेविगेबिलिटी में आ जाता है हमारा विर्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल आगे चलते हैं सो अनादर रीजन इज कॉन्टिन्यूटी इन वाटर फ्लो वाटर फ्लो की कॉन्टिन्यूटी अनदर इज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे रिवर्स मोस्ट प्रेविलेंट है एज वेल एज ओनली भी है आगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन दी है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो यहाँ बताया गया है कि रिवर वेज द मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया कि जो ये रिवर वेज है ये थे हमारे मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ इंडिया स्पेशली ठीक है इंडिया के केस में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवेज थे आगे अब हम चले तो यहां पर बताया गया है कि जो सिग्निफिकेंस है ना रिवर्स की एज इनलैंड वाटरवेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड हैज बिन रिकोगनाइज थ्रू आउट द डेवलप वर्ल्ड मतलब कि अब जो ये इनलैंड वॉटरवेज है जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी रेकोगनाइज की जा रही है थ्रू आउट द डिवलप वर्ल्ड आगे यहाँ बताया गया है many have been to their अब देखो आ, कुछ यहाँ पर हमारी लिमिटेशंस भी होती हैं द लिमिटेशंस भी रिवर्स को मॉडिफाई किया गया है ठीक है उसमें इन्हांसमेंट की गई है आगे देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं रिवर वाटरवेज के अब ये नोट्स में भी मैंने जैसे राइन वाटर वे है इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो अब सबसे पहले तो जो राइन है ना वो फ्लोस करता है जर्मनी एंड नीदरलैंड के थ्रू अब ये नेविगेबल है सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम रोटरडेम इसका माउथ नीदरलैंड में टू बेसल इन स्विट्जरलैंड मतलब ये इसकी नेविगेबिलिटी दिखा रहा है कि कितने ज्यादा ये नेविगेबल है नंबर वन इन्होंने बताया कि सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स अगर हम जाए रोटर डैम से तो वहां पर भी ये नेविगेबल है वेयर एज अगर हम माउथ की बात करें वो है नीदरलैंड में टू द बेसल इन स्विट्जरलैंड तो ये नेविगेबल बहुत ज्यादा है फिर देखो ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कॉल कलोजन द रूहर रिवर ज्वाइन द राइन फ्रॉम ईस्ट इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड सब और एक चीज की जो रूहर रिवर है ना वो ज्वाइन करता है राइन को ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन से दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि एक इम्पोर्टेंट कोल फील्ड जो है ना वो भी इसको ज्वाइन करती है एंड ये आ, बन गया है अब एक प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया द सेफ इज द राइन पोर्ट ऑफ द रीजन द सेफ राइन पोर्ट है इस रीजन का अब आगे बताया गया है कि ह्यूज टनेज मूव अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ रूहर दिस वॉटर वे इज वर्ल्ड मोस्ट ईयर मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड ओशन गोइंग शिप्स टू लैक इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोस इट कनेक्ट्स। अब देखो यहां पर हमें पहले जैसे हमने बात करी कि जो ये वाला लाइक हमारा वॉटर वे है ठीक है ये हैवीली यूज है तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि हर साल यहाँ पर बीस हजार ओशन गोइंग शिप्स दो लाख इनलैंड वेसल्स अपने कार्गोस को एक्सचेंज करते हैं और ये कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस बेल्जियम नीदरलैंड नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ये सब फिर आ जाता है हमारे पास डेनुबे वाटरवे अब जो ये डैनुबे वाटरवे है ना ये सर्व करता है ईस्टर्न यूरोप को और जो ये रिवर है ये राइज होता है ब्लैक फॉरेस्ट में और फ्लो करता है ईस्ट वर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज में ये फ्लो करता है आगे हमारे पास आ जाता है वोल्गा वाटरवे वोल्गा वाटरवे जिसे अब यहाँ बताया गया है रशिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर रशिया में द ओनली वाटरवे इज नॉट वर्ल्गा बट इम्पॉर्टेंट वाटरवे इज वॉल्गा इम्पॉर्टेंट है वॉल्गा आगे देखो इट प्रोवाइड द नेविगेबल वाटरवे ऑफ इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स का हमें नेविगेबल वाटरवे यहाँ पर मिल रहा है एंड ड्रेन इन कैस्पियन सी ड्रेन हो रहा है कैस्पियन सी में आगे चलो तो यहाँ पर देखो क्या है एक मॉस्को कैनल है जो कि मोलवाल मैज मॉस्को कैनल इसको ज्वाइन करती है मॉस्को से वोलगा डॉन कैनल इसको आ, कनेक्ट करती है विद द ब्लैक सी आगे हमारे पास आ जाता है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सी वे अब यहाँ पर देखो जो ये लेक है ना ये फॉर्म करता है एक यूनिक कमर्शियल वाटर वे इन पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अगर हम इसके दो पोर्ट्स की बात करें तो वो है डुलुट एंड बाफ्लू ओके डुलुच एंड बफ्लू इसके दो इंपॉर्टेंट वोट्स हैं नेक्स्ट अब हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स है बट वेरी कॉस्टली कॉस्टली भी ये है प्रेफर किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेज में जब हमारे पास वैल्यूएबल गुड्स हों वेयर एज हम कहें तो पेरिशेबल मटेरियल के लिए भी ये लाइक uh, यूज like, किया जाता है और ये रीच कर सकता है एरियाज़ को ओके okay? जैसे कि माउंटेन्स हो गए स्नो हो गए डेजर्ट्स हो गए वहां पर थ्रू एयरवेज जाना इजी हो जाता है दो इट इज कॉस्टली ये सब यहाँ पर बताया गया है अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट अब यहाँ पर देखो क्या है एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस द एयर स्ट्राइक्स बाई यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इराक Testimony to this fact: the airway द is नेटवर्क इज fast, वेरी फास्ट अब देखो यही एग्जाम्पल दी हुए कि रेलवेज की और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रेलवेज की बताई है यू कैन रीड दिस पैराग्राफ बट जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एट प्रेजेंट कोई भी प्लेस वर्ल्ड की मोर देन थर्टी फाइव आर्स अवे नहीं है दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड प्लेन्स अब यहां पर देखो क्या है यूके द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिविल अवेशन यहाँ पे बताया गया है पाइन मतलब स्टार्ट किया था यूके ने द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट को अब यहाँ पर देखो टुडे मोर देन टू फिफ्टी कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ़ द वर्ल्ड रीसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर डिस्टेंस बिटवीन लंडन एंड न्यूयॉर्क विद इन थ्री एंड हाफ आवर्स मतलब ये बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट आजकल हो चुकी है

मॉस्को कराची न्यू दिल्ली मुंबई बैंकॉक सिंगापुर टोक्यो सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स एंड शिकागो आर नॉडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कवरेज और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स तो यहाँ पर देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बताई गई हैं यस yes. तो पर यही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताई गई हैं अफ्रीका और एशियाटिक पार्ट्स ऑफ रशिया साउथ अमेरिका लैक इन एयर सर्विसेज अब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि लैक करती हैं एयर सर्विसेज में वहराज ये जो जगहें हैं इनकी जो एयर सर्विसेज हैं दीज आर गुड आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट थिंग दैट इज पाइपलाइंस पाइपलाइंस को यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड गैसेस जैसे कि पेट्रोलियम हो गया हमारा नेचुरल गैस हो गया ये चीज़ें थ्रू पाइपलाइंस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है uh, फिर हमारे पास यहाँ पर uh, आ जाता है नेचुरल गैस फॉर एन अनप्टिड फ्लो वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइंस इज फेमिलियर टू ऑल जैसे वाटर है वो पाइपलाइंस ही ट्रांसपोर्ट होता है फिर कुकिंग एल पी जी गैस इज सप्लाईड थ्रू पाइप लाइन इन मेरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आजकल तो इंडिया में भी यू हैव नोटिस्ड कि आपके घरों के पास भी ना बहुत ज़्यादा गैस पाइपलाइंस जो हैं

जो है पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है फार्म्स फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज ठीक है फार्म से तक जो मिल्क है वो पाइपलाइंस में जाता है आगे यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें तो जो यूएसए में है ऑयल पाइपलाइंस है वहां पर ठीक है जैसे मैंने यहाँ बताया भी है ऑयल पाइपलाइंस है जो कि प्रोड्यूसिंग एरियाज से कंज्यूमिंग एरियाज तक ऑयल को लेकर जाती है फिर यहाँ पर एक आगे इंपॉर्टेंट बिग इंच पाइपलाइन पाइपलाइन अब ये बिग इंच है हमारी गल्फ ऑफ लाइक कैरी करती है पेट्रोलियम को पहले ये चीज जान लो फ्रॉम ऑयल वेल्स ठीक है कहाँ के ऑयल वेल्स गल्फ ऑफ मेक्सिको के कहा लेकर जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अबाउट सेवेंटीन परसेंट ऑफ ऑल फ्राइड पर टन किलोमीटर थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए अब यहाँ पर और चीजें बताई गई कि जैसे कि यूरोप है रशिया है वेस्ट एशिया है इंडिया है पाइपलाइंस यहाँ पर यूज की जाती है टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज मतलब देखो यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, वेल से लेकर रिफाइनरी तक जो ऑयल है वो जाएगा थ्रू पाइपलाइंस आगे अब यहाँ पर हमें बताया गया है पाइपलाइंस तो टू ईरान एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना एशिया ने एक्सटेंड करी है अपनी पाइपलाइंस ईरान को एज वेल एज चाइना के भी कुछ पार्ट को अब ये एक प्रपोजल है ये प्रपोज किया गया है कि ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल नेचुरल गैस पाइप लाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड अब ये चीज अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बट इट इज प्रपोज कि हम ईरान टू तो इंडिया ठीक है पाइपलाइन बनाएंगे वाया पाकिस्तान जो जाएगी ओके ईरान टू तो इंडिया लॉन्गेस्ट इन नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑन कम्युनिकेशन अब यहाँ बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट मेथड यूज किए हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऑफ विच टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इम्पोर्टेंट टेलीग्राफ एंड टेलीफोन उसमें से इम्पोर्टेंट इमोजूल अब यहाँ बताया है कि जो टेलीग्राफ है वो एक इंस्ट्रूमेंटल था in the colonization of american west during the early and mid 20th century the american telegraph and telephone company at&t enjoyed a monopoly over usa's telephone industry इन फैक्ट टेलीफोन बिकम अ क्रिटिकल फैक्टर इन दर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका तो यहाँ पे हमें जनरली इम्पॉर्टेंस बताई जा रही है टेलीफोन की फंक्शन द ब्रांच ऑफिस एंड स्मॉल टाउन इवन टूडे टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मोड इन डेवलपिंग कंट्रीज दूस ऑफ सेल फोन्स मेड पॉसिबल बाय सेटेलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी आज कल के टाइम पे तो टेलीफोन इतने ज्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं दैट दे है दे हैव प्रूव टू बी अडिक्टिव टू ओके अब यहाँ बताया गया है टूडे देर इज अफ नॉमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज दूस ऑफ ऑप्टिक फाइबर अब ये भी एक रेवोल्यूशनर की तरह की तरह हुआ फेस विद माउंटेन कॉम्पिटिशन टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर दर्ल्ड सोन अपग्रेटेड देर कॉपर केबल सिस्टम इनक्लूड ऑप्टिक फाइबर केबल्स ठीक है तो ऑप्टिक फाइबर केबल्स फिर जो हमारी टेलीफोन कंपनीज है उन्होंने भी यूज करनी शुरू कर दी दी इज अलाउड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली सिक्योरली एंड वर्चुअली एरर फ्री ये सारे इसके फायदे थे आगे अब हमारे पास आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट कनेक्टिंग थाउजेंड मिलियन पीपल इन मोर देन हंड्रेड कंट्रीज यहाँ बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू सैटेलाइट वो इमर्ज हुई एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये कोई आज या फिर कल की बात नहीं है नाइनटीन से चल रहा है अब देखो क्या था जब यूएस ए एंड यूएसएसआर ने शुरू करी स्पेस रिसर्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो सक्सेसफुली डेवलप हो चुकी है अर्थ की ऑर्बिट पे टू कनेक्ट इवन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विल लिमिटेड

ये वाला जो है ना ये जो डेटा कौन सी सैटेलाइट विच ईयर में लॉन्च हुई ये सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, सीयूईटी के लिए यू मस्ट प्रिपेयर दिस वन आगे चलते हैं तो हमारे पास इनसेट वन का भी बताया गया है देन साइबर स्पेस इंटरनेट साइबर स्पेस जो है ना इज वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस इट इज इनकम बाय द इंटरनेट सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब ओके okay, अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन असेस करने का ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द इंटरनेट साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर अब देखो इसको इंटरनेट की तरह भी रेफर किया जाता है और आप सबको पता है आज के टाइम पे कि इंटरनेट क्या है ओके okay, तो यहाँ पर बस इसके लाइक like, स्पीड के बारे में बताया गया है कि जो स्पीड uh, है ना एट एटविच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इज इन ह्यूमन हिस्ट्री देर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन 1995 फिर चार सौ मिलियन हो गए दो हजार एडी में एंड ओवर टू बिलियन इन टू थाउजेंड टेन इन लास्ट फ्यू ईयर हैज बीन शिफ्ट अमंग ग्लोबल यूजर्स फ्रॉम यू एस ए टू द डेवलपिंग कंट्रीज The percentage share of USA has dropped from 66 in 1995 to only 25 in 2005. Now the majority of world's internet users are in USA, UK, Germany, Japan, China and of course India. तो so, यही sab tha. अब यहाँ आगे हमें बताया गया है कि आज billions use of internet each year जो cyber space है वो expand हो रही है। Also contemporary economic and social space and right? our humans through email, e commerce, e learning, e governance, internet, together with facts. Television and radio will be accessible to more and more people, cutting across place and time. It is these modern communication systems, more than transportation, that they have made concept of global village a reality. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट आई होप कि मैंने आपको जिस तरह से समझाया आपको समझ आ गया हो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग